हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रोहतक जिला के गांव हसनगढ़ के निलोठी रोड पर दोपहर करीब 12:30 बजे RRS तेल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में मालिक मनोज सैनी समेत 4 लोग मौजूद थे। ब्लास्ट होने के बाद सभी ने भागकर जान बचाई। फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद ड्रम में रखा तेल बिखर गया, इस कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। मनोज ने मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी। सापला खरखोंदा और रोहतक के एक गाड़ी मौके पर पहुंची। आग को काबू करने के लिए फैक्ट्री संचालक ने 4 वाटर टैंकरों को अलग से हायर किया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि सुरक्षा नियमों को भी ताक पर रखकर काम किया जा रहा था। पीड़ित के मुताबिक फैक्ट्री का कोई इंश्योरेंस नहीं है, बैंक से लोन लेकर काम चल रहा था। बैंक की समय पर देनदारी के कारण उसकी CC लिमिट बना रखी थी, अब बैंक से ही सहायता की उम्मीद है। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। मनोज जी, कैसे क्या हादसा हुआ? प्लांट में शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें ऑयल बैरल में आग लगने के कारण वो विकराल रूप लेती चली गई जी। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज भी किया हमने, पर आग पे काबू नहीं पा पाए। किस चीज़ की फैक्ट्री है अपनी? हमारी जी नेल मैन्युफैक्चरिंग प्लस में ट्रेडिंग आइटम है, जिसमें हम जैसे ऑयल की पैकिंग है, साथ में मार्केट की एसेसरीज ले रखी है छोटी छोटी हमने। तो आग लगने के बाद आपने किन को सूचित किया? आग लगने के बाद जी फायर ब्रिगेड वाले को सबसे पहले सूचित किया, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी आई थी और कितना समय लगा? फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो खरखोदा वाली करीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ही पहुंच गई थी। 5 मिनट बाद सप्लाई गाड़ी आ गई थी। 2 गाड़ियां टाइम से आ गई थी जी, उन्होंने करीबन 3.5 घंटे का टाइम लगा जी फायर पर काबू करने में। तो क्या कोई जान माल की हानि हुई है? देखो जी, माल का तो नुकसान हुआ, पर जान की कोई हानि नहीं हुई। किसी भी इंसान को किसी प्रकार की हानि नहीं है, पर जो भी मेटल फैक्ट्री में अवेलेबल था, प्लांट में था, वो टोटल लॉस हो चुका है जी। जिस समय हादसा हुआ कितनी लेबर मौजूद थी प्लांट में? आज रिसेप्शन के कारण जी, प्लस में कुछ फैमिली इशू के कारण, क्योंकि कटाई का काम चल रहा जी, लेबर छुट्टी पर थी, पर हाल फिलहाल 4 लेबर अवेलेबल थी जी। फैक्ट्री के अंदर फायर के जो मौजूदा चीज़ होती हैं, या फैक्ट्री की फिटनेस वगैरह है, पोल्यूशन वगैरह है, वो कंप्लीट है आप लोग? हाँ, फैक्ट्री के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास प्रॉपर रखे हुए थे, क्योंकि हमारा ऑयल का काम एक लिमिटेड काम है जी, ज़्यादा बड़ी स्केल पर नहीं है, जिसके लिए हमें जो फायर के एक्सटिंग्विशर सिलेंडर हमारे पास 5 अंदर रखे हुए हैं, जो हमारे यूजेस के लिए थे। तो कितने साल से फैक्ट्री चल रही है? फैक्ट्री हम 2016 से काम कर रहे हैं जी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।